पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद के सर्किट हाउस में रविवार को आयोजित मंडल की लोक निर्माण विभाग और ब्रिज कॉरपोरेशन की कार्य योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता से किए अपने 98% वादे पूरे कर लिए हैं। प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर कहा कि विपक्षी दल इसे चुनावी फंडा बता रहे हैं। विपक्षियों को तो उन्होंने कहा कि चुनाव आ गए हैं तो क्या सरकार काम करना छोड़ दे। विपक्षियों को तो हर बात का विरोध करना ही है। कश्मीर से धारा 370 हटी तब विरोध किया। आतंकवादी मरते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है। राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुला तो उनकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। विपक्षी दलों के दुष्प्रचार से सरकार काम करना नहीं छोड़ देगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून लोगों का जीवन स्तर सुधारने का एक प्रयास है। इसके लिए सरकार कड़े से कड़े और बड़े से बड़े फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से पहले प्रदेश में गुंडाराज और जंगलराज था। गुंडागर्दी, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार 56 इंच के सीने वाले को मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के 20 टॉप करने वाले छात्रों के घर के बाहर तक की सड़क बनाने के साथ उन छात्रों के कॉलेजों के बाहर की सड़कें भी ठीक कराने का काम किया है। अब सरकार कार सेवकों के घर के पास की सड़कें ठीक कराने की बात कर रही है तो विपक्षियों को दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रदेश सरकार जनता के हित में जो संभव होगा वो करेगी। विरोध करने वाले करते रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह, परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी सहित कई मंत्री और भाजपा विधायक शामिल हुए। 6,02,45,00,000 रुपए की लागत से 363 परियोजनाओं का शिलान्यास डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शहर के सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मुरादाबाद मंडल के 5 जनपदों में लोक निर्माण विभाग और ब्रिज कॉरपोरेशन से 6,02,45,00,000 की लागत के 363 कार्यों का शिलान्यास किया है। ₹600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय भूपेन जी, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री आदरणीय अशोक कटारिया जी, हमारे दोनों माननीय राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख जी और आदरणीय बहन गुलाब देवी जी, यहाँ के सभी माननीय विधायकगण, सभी हमारे नवनिर्वाचित जिला पंचायत के अध्यक्षगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, यहाँ के मेयर साहब, नगर पालिका अध्यक्ष सबके उपस्थिति में आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया। हमारा लक्ष्य है कि हम विकास की जो गंगा है वह तीव्र गति से पूरे प्रदेश में मुरादाबाद मंडल सहित बहती रहे। मुरादाबाद का प्रदेश सरकार की नज़र में बहुत महत्व है। देश और प्रदेश के राजस्व में एक बड़ा योगदान है। मुरादाबाद का व्यापक विकास की कार्य योजना काफ़ी कुछ बनी है, काफ़ी कुछ बन रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, उनको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज यहाँ जो लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, 31 जुलाई से पहले पहले जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों की ये परियोजनाएं हैं वहाँ पर वहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत करके, हमारे जो माननीय मंत्रीगण हैं उनसे समय ले करके, या वहाँ जनता के बीच में भी सुपुर्द करने का काम होगा। कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उसके कारण सभी स्थानों से लोगों को ज़्यादा बुलाया नहीं जा सकता है, इसलिए स्थानीय स्तर पर भी कार्यक्रम करने के निर्देश दिए गए। मैं आप सबको भी भविष्य में जो खबरें जुटाने के लिए तेज़ी से जाना पड़ेगा, अच्छी सड़कें बना करके देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो सर, योगी सरकार एक जन सवाल पूछना, जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है, ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है, मगर विपक्षी ये कहता है कि टाइमिंग तय नहीं हुई है अभी इनकी और ये सिर्फ योगी सरकार का चुनावी हथकंडा है। देखिए, विपक्ष मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहा है, अन्यथा अंदर खाने से पक्ष तो चाहता ही है, विपक्ष भी चाहता है। और हम जो भी काम करते हैं वो देश और प्रदेश के हित में काम करते हैं, और मैं लगातार देख रहा हूँ कि जनसंख्या नीति को लाने के फैसले का प्रदेश में तो स्वागत हो ही रहा है, पूरे देश में स्वागत है। सर, सपा सांसद सपियों को रमान भट्ट ने
जनसंख्या कानून को उधर से टकराने वाला कानून बताया, बोले अगर देश पे हमला होता है तो रक्षा कैसे होगी फिर अगर ये लागू है। उसकी चिंता वो ना करें, 56 इंच के सीने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पर देश को भरोसा है, वो भी भरोसा करें। सर लखनऊ में लखनऊ में उस पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी? लखनऊ में ATS ने 2 टेररिस्ट पकड़े हैं अलकायदा के, क्या प्रतिक्रिया? ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार कर ही रही है, जो भी देश विरोधी शक्तियाँ उनको पकड़ रहे हैं, जो आपराधिक शक्तियाँ हैं उनको पकड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बड़े से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो जो भी पुलिस कर रही है, जिनको भी पकड़ा है उसकी जांच होने दो, जो दोष उनके होंगे उसके हिसाब से उनको दंड देने का काम जो भारत के संविधान ने पुलिस को अधिकार दिया है उस अधिकार का प्रयोग करके ऐसे लोग पकड़ा जाना और दंड दिया जाए। कोई भी इस तरह से पत्रकारों के साथ कोई दुर्व्यवहार कोई घटना नहीं होनी चाहिए और जो घटना हुई है उसके जो दोषी होंगे कार्रवाई करें। जब से जो है ये जनसंख्या कानून आया है, जब से जनसंख्या कानून की बातचीत चालू हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, लगातार विपक्षी जो है उसको घेरने की तैयारी कर रहे, घेर ले जितना घेरना चाहे, हम 100 में 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, ऐसा नहीं केवल हिंदू इसके पक्ष में, मुसलमान भी इसके पक्ष में। क्या विपक्षियों को मनाने के लिए कुछ पहल करी जाएगी इसमें? हम मनाने के लिए पहल इसलिए नहीं करेंगे कि मनाने के लिए कोई इसका विषय नहीं कि ये कोई ऐसा विषय है जिसमें हम उनको मनाएं कि मान जाओ देवता, वो विरोध करना उनका लक्ष्य है, वो करते रहे। इसके अलावा 22 में आपकी सरकार अगर द्वारा आती है तो योगी जी अगर शब्द का प्रयोग नहीं करिए कि आती है, आएगी ही, क्योंकि जनता का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, लोगों से मैं इतना कहना चाहूँगा उनके नाम से घबराए ना। जितना खजाने में आता जाएगा वो पूरा का पूरा रिटर्न में जिनको हक मिलना चाहिए उन तक पहुँचाया जाए। जो कमी उसको दूर कर रहे हैं लगातार, और आपने हमारे सरकार के कार्यकाल जो 4 साल से थोड़ा ज्यादा हुआ है और 15 साल हुआ भतीजे और उनके अखिलेश जी उनके पिताजी और मायावती जी की सरकार का कार्यकाल देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा, बहुत सुधार हुआ है, हो रहा है और अच्छा सुधार करके देंगे। और राजगढ़ जो है वो लगातार जो है दौरे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जो है सबको, हम कह तो रहे हैं 100 में 60 हमारा है, 40% में करे दौरा, हम कहाँ मना कर रहे हैं सर कि वो सबके साथ गठबंधन करके जाए। कर ले जितने गठबंधन करे, गठ उस गांठ में दम नहीं होगी, जनता खोल देगी गांठ। कोई ऐसी बात हो दे दीजिए, उसकी और अलग से जांच करवा देंगे और जांच करवाने के बाद जो जो होगा वही कर। यार एक एक जरे पूछो तू, आप लोग सबके एक साहब से मिले हैं सभी पत्रकार जो नेतृत्व है, लेकिन उन्होंने जांच को दूसरी जगह करने की बात कही, लेकिन अभी तक कोई जांच का नहीं। हम अभी निर्देश देते हैं कि इसके जांच की अगर आप दूसरे जगह चाहते हैं दूसरी जगह से करवा देंगे और निष्पक्ष जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई। उत्तराखंड में 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं, क्या मायने? आपको क्या परेशानी है? भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, नहीं जैसी जरूरत होगी वैसा करेंगे, ये तो भाजपा नेतृत्व का अधिकार है, वहाँ के विधायक दल का अधिकार है किसको नेता चुने, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है सर, सर 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 सर, क्योंकि 2022 का चुनाव भी आ रहा है, पिछली बार कांवड़ यात्रा नहीं थी लेकिन इस बार जो कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी करी जा रही है। देखिए हम कोरोना का जो संकट है, आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, युवा संकट कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए सारे लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, जो यहाँ सुना है वह भी, जो आपके माध्यम से सुनेंगे उससे भी आप प्रार्थना है, और सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की सभी तैयारी कर रही है।